भाई पेन स्पिनिंग की काफी ज्यादा लाजवाब ट्रिक मैं आज सीखने वाला हूँ, जिसका नाम आप गैस कर ही लिए होगे, वो है टॉर्नेडो। और जिसने भी ये ट्रिक सीख गई ना, वो तो भाई सिग्मा मेल ही बन जाता है यार। तभी तो ये लोगों की सबसे ज्यादा फेवरेट ट्रिक है। तो चलो आपको भी सिग्मा मेल बनाने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो देखो, टॉर्नेडो सीखने से पहले आपको टॉर्नेडो के बारे में कुछ पता होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। जैसे टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो एक पेन स्पिनिंग ट्रिक है। वही तो नहीं समझते ना यार तुम लोग। टॉर्नेडो एक थंब अराउंड और एक्सटेंडेड थंब अराउंड का कंटिन्यूअस वर्जन है। अब देखो, थंब अराउंड ट्रिक किसे नहीं आती, थंब अराउंड ट्रिक सभी को आती है, जो कि ऐसी दिखती है। हाँ, और एक्सटेंडेड थंब अराउंड कुछ ऐसी दिखती है, जो कि हमें नहीं आती अभी, लेकिन हम इसे भी सीखेंगे। और अगर हम इस वाली एक्सटेंडेड थंब अराउंड ट्रिक को सीख जाते हैं तो समझो कि आधे से ज्यादा काम तो ऐसे ही हो गया। अब देखो, अगर एक्सटेंडेड थंब अराउंड को अगर हम बार 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 उसी फ्लो में करते हैं तो बस ये टॉर्नेडो ट्रिक बन जाती है। इसी चीज को हमें सीखना है। तो हमारा अब सबसे पहला टारगेट यही होगा कि हम पहले एक्सटेंडेड थंब अराउंड ट्रिक को सीखें। चलो, काफी ज्यादा ज्ञान की बातें हो गई, अब हम इस ट्रिक्स को एक्चुअली में सीखना स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक्सटेंडेड थंब अराउंड ट्रिक को सीखते हैं तो ऐसा समझो कि हम टॉर्नेडो ट्रिक का 80% उसी वक्त सीख गए हैं। इसीलिए हमारा पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए एक्सटेंडेड थंब अराउंड ट्रिक को बहुत ही ज्यादा प्यार से सीखने का। और मैं भी टॉर्नेडो सीखने के लिए इस ट्रिक पर ज्यादा ही कुछ फोकस करने वाला हूँ। तो देखो, इस ट्रिक को सीखने के लिए हम सेम थंब अराउंड जैसी ही स्टार्टिंग पोजिशन रखेंगे, पेन को कुछ इस तरीके से होल्ड करना होगा। अब देखो, थंब अराउंड तो आपको आता ही होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे थंब अराउंड करना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फिंगर से। जब हम इंडेक्स फिंगर से थंब अराउंड कर रहे होते हैं, तब थंब अराउंड के सिचुएशन में हम पेन को थंब के नीचे पर एंड कर देते हैं, ताकि ये ट्रिक एंड हो जाती है। लेकिन अभी ये वाली ट्रिक एंड नहीं हुई है, तो हम पेन को नीचे नहीं ले जाकर ऊपर ही ऊपर एक राउंड स्पिन कराएंगे, और अगला स्पिन इंडेक्स फिंगर के अंदर से होते हुए जाएगा। अब इस ट्रिक में सभी चीजें सही है, सारी चीजें परफेक्टली आपको समझ में आ रही होगी, ये भी मेरे को मालूम है। लेकिन काफी ज्यादा और बहुत ज्यादा दिक्कत आपको इस जगह पर आने वाली है, जब हम थंब अराउंड करते हुए इस पोजीशन पर आते हैं, और यहाँ पर जब हमको रोटेशन लेना होता है, यहाँ पर किसी भी चीज का सहारा नहीं है, बस हमको फ्रीली यहाँ पर मूव करते हुए रोटेशन लेना है। अब इसी जगह पर आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है। अब देखो कैसे ये पेन उस जगह पर स्पिन होने के लिए आती है, तो कैसे अनकंट्रोलेबल तरीके से रोटेट होती है और हटाक से गिर जाती है। अब इस चीज को सुधारने के लिए या फिर पेन के रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज काम आ सकती है, वो है जितनी हो सके प्रैक्टिस। जब हम इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में फ्रीली पेन रोटेट होती है, उसके बाद हमें इन दोनों फिंगर से पेन को कैच लेना होता है। लेकिन जब हम कैच लेने ही वाले होते हैं, उससे पहले हमें अपने हाथों को थोड़ा सा टिल्ट करना होता है या रोटेट करना होता है, ताकि पेन को अच्छे से कैच ले सके इन दोनों फिंगर से। यस, अब देखो, मैं आपको पहले से ही बार बार बताते हुए आ रहा हूं कि हमें इस ट्रिक को मिडिल फिंगर से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है, हमें सिंपल सा इंडेक्स फिंगर से ही इस ट्रिक को स्टार्ट करना है। क्योंकि जब थंब अराउंड एक्सटेंडेड वर्जन वाली ट्रिक एंड होती है, तब हमें इंडेक्स फिंगर से ही पुश करना होता है इस टॉर्नेडो ट्रिक को कंटिन्यू करने के लिए। ऐसे ही मैं एक्सटेंडेड थंब अराउंड ट्रिक को परफेक्टली करने का बार बार ट्राई करता गया। यस! और भाई, इसी वक्त मुझे प्रैक्टिस करते समय ये बात समझ में आई है कि जब हम पेन को रोटेट करते हैं, तब ये फ्लैट सरफेस यहाँ पर नहीं बनाना है, तब हमें अंगूठे को थोड़ा सा ऊपर करना है, ताकि ये रोटेशन मूवमेंट लेने में हेल्प हो। और फिर अगला रोटेशन ये मिडिल फिंगर के और इंडेक्स फिंगर के बीच में आता है, बहुत ज़्यादा ईजी। अब मैं अंगूठे को थोड़ा सा अपलिफ्ट करके इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करूँगा, इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आती है भाई एक्चुअली में। आप भी प्रैक्टिस करके देखना, इसी तरीके से काफ़ी जल्दी आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। अब इनकी प्रैक्टिस के दौरान मैंने अलग अलग पेन मोड से इसे ट्राई करके देखा, और मुझे इसके दौरान पता चला कि हम जो नॉर्मल पेन मोड हम यूज़ करते हैं, उससे थोड़ी सी लंबी हम इस ट्रिक को प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करेंगे, जिससे काफ़ी जल्दी रिजल्ट देखने मिलते हैं। और मुझसे तो भाई ये काफ़ी जल्दी होने लगा है यार।
और भाई हम शुरू में इसे प्रैक्टिस करते समय काफी ज्यादा हड़बड़ी में होते हैं कि हम कैसे भी करके जल्दी से जल्दी सीख जाए, लेकिन यहीं पर हम बहुत ज्यादा बड़ी गलती करते हैं। हमें इस ट्रिक को सीखने में बहुत ही ज़्यादा स्लो और पेशेंस रखना होगा। हम जितने ज़्यादा धीरे तरीके से और समझते हुए इसे प्रैक्टिस करेंगे, हम उतनी ही जल्दी इसे सीख जाएंगे। अब भाई एक्सटेंडेड थंब अराउंड ट्रिक को मैं इतनी बार तो प्रैक्टिस कर ही डाला हूँ कि वो दो तीन बार के बाद एक ना एक बार तो परफेक्टली हो ही जाता है। तो इसकी और हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है। अब मैं कुछ खास की पॉइंटर्स भी बताता हूँ जिसे आप ध्यान में रखकर इसे जल्दी से जल्दी सीखने वाले हो। अब इस ट्रिक को परफॉर्म करते हुए टॉर्नेडो ट्रिक को या फिर एक्सटेंडेड थंब अराउंड ट्रिक को जो भी आप समझो, उसे हम जब परफॉर्म करते हैं तब हम इसी एरिया का यूज़ करेंगे। इस एरिया से बाहर जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। हमें ट्राई भी नहीं करना, प्रैक्टिस भी नहीं करना, इसी एरिया के अंदर रहते हुए ही हमें ये ट्रिक को परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस करते जाना है। और इसके बाद इस चीज़ को भी ध्यान देना आप कि जब हम इस ट्रिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब हमें 100% पूरा का पूरा फोकस सिर्फ ट्रिक को ही करने में नहीं देना है भाई, थोड़ा सा ध्यान ट्रिक को करने में भी देना है। लेकिन हमें ज़्यादा ध्यान ये भी देना है कि कैसे हम ट्रिक को परफॉर्म करते समय बैम हमारे फिंगर्स के बीच में ही हमेशा बैलेंस रहे, गिरे ना। ये हमें अभी पूरी की पूरी कोशिश होनी चाहिए, हमें पूरी बैलेंस करते हुए फिंगर को पेन को अपने हाथों के ऊपर ही रखना है, गिरने नहीं देना है। ओ भाई, अब बैलेंस वाली चीज़ को भी ध्यान में रख लिए। इसके बाद क्या, इसके बाद जैसे मैं आपको पहले से ही बताते हुए आ रहा हूँ कि स्पीड को शुरू में बिल्कुल धीरे रखना है। फिर जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई मेरे से ये हो रहा है, तब स्पीड को बढ़ाएं और टॉर्नेडो ट्रिक को कर पाएं। अब ये सारी चीज़ तो हमने जान ली, लेकिन इसके बाद मैं एक्चुअली में जब इसको प्रैक्टिस कर रहा था तब मैंने एक दिक्कत अपने प्रैक्टिस के दौरान नोटिस की, जो कि है जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तब मैंने नोटिस किया कि मेरा हाथ पहले ही पूरा पेन को रोटेशन होने देने से पहले ही टिल्ट हो जाता है भाई, ताकि ट्रिक कंप्लीट हो सके। लेकिन मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि रोटेशन को पूरा होने देना भी भाई ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तभी तो हमारी ट्रिक कंप्लीट हो पाएगी। इसका भी खास ध्यान रखना आप। ये तो मेरे साथ गलती हुई, शायद आपके साथ भी हो पाए, इसलिए थोड़ा सा संभल के प्रैक्टिस करना। इसी तरीके से मैं इस ट्रिक को ऑलमोस्ट हर बार परफेक्टली करने लगा था। तो भाई अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमने एक्सटेंडेड थंब अराउंड ट्रिक अच्छे से सीख ली है। अब बस हमें 20% चीज़ सीखना है टॉर्नेडो ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए। वो क्या है, देखो जब एक्सटेंडेड थंब अराउंड ट्रिक कंप्लीट होती है तब पेन कुछ इस पोजिशन पर रुक जाती है, ये वाली। पर इसके बाद सिर्फ 20% का काम है जिसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है, हमें बस थंब की हेल्प से ट्रिक को फिर से उसी पोजीशन में रहते हुए स्टार्ट करना है। किस ट्रिक को रिपीट करना है, एक्सटेंडेड थंब अराउंड ट्रिक को फिर से रिपीट करना है, और यही पोजीशन हम रखते हुए कंटिन्यूस इस ट्रिक को परफॉर्म करेंगे, तो यही हो जाती है हमारी टॉर्नेडो ट्रिक। ओ भाई, फाइनली भाई आप समझ ही चुके होंगे कि टॉर्नेडो ट्रिक कैसे परफॉर्म करना है। बस सब सोच समझ के आप इसकी प्रैक्टिस करो स्टार्ट, और हाँ बैलेंसिंग वाली चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए इसकी प्रैक्टिस बिंदास करते रहो, थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके करते रहो ताकि आपके फिंगर्स थोड़ा सा रिलैक्स रहे, उसके बाद फिर से स्टार्ट करो और प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। मुझे मालूम है कि स्टार्टिंग में आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है टॉर्नेडो ट्रिक परफॉर्म करने के लिए। देखो एक्सटेंडेड थंब अराउंड ट्रिक तो आप कर लोगे, थंब से भी आप स्टार्टिंग पोजिशन में पेन को ला भी लोगे, लेकिन जब फिर से हम रिपीट करते हैं ना भाई, वो वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा तकलीफदायक होती है, क्योंकि इतना तो कर लेते हैं उसके बाद हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इसी दिक्कत को मैंने काफ़ी ज़्यादा बार फेस किया है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। यस, हैट्रिक भाई हो रहा है भाई, सच में यार अगर हम इसे धीरे धीरे ट्राई करते जाए ना डेफिनेटली होगा जरूर। कोई हड़बड़ी नहीं करना है, कोई जल्दी नहीं करना है, हमें इसको प्रैक्टिस करना है रुक रुक के, लेकिन करना जरूर है। और भाई मैंने इस चीज़ में पाउडर लगाकर भी ट्राई किया जिसमें एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आई मेरे को, और काफ़ी स्मूथली ये परफॉर्म होता है पाउडर लगाने से। तो आप भी अपने तरीके से ट्राई कर सकते हो, आपको जो बेस्ट लगे प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई, और उतना ज़्यादा स्मूथ तो नहीं पर कर पा रहा हूँ भाई टॉर्नेडो, वही बहुत बड़ी बात है। अब आप बोलोगे कि एक ही दिन में मैं टॉर्नेडो को मास्टर करूँगा, वो तो नहीं हो सकता। धीरे धीरे आपको डेली ऐसे टाइम पास करते हुए, क्लासरूम में बैठते हुए या कहीं भी बैठते हुए पढ़ाई करते हुए आप इसे परफॉर्म करोगे ना भाई, काफ़ी जल्दी आप सीखने वाले हो, 3 दिन में तो कंफर्म स्मूथ हो ही जाएगा। ओ भाई,
फाइनली भाई हमने टॉर्नेडो ट्रिक को काफी अच्छे तरीके से समझ लिया है, अब बस आपको प्रैक्टिस करना, और इस वीडियो को रिपीट करके मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलोगे ना, डेफिनेटली आपको काफी जल्दी ही टॉर्नेडो ट्रिक सीखने में हेल्प होगी और आप अच्छे से परफॉर्म कर लोगे डेफिनेटली यार। इसी बात पर भाई अब भी कमेंट करो और कमेंट करके मेरे को बताओ कि आपको किस टॉपिक के ऊपर और अगली वीडियो चाहिए, जिसको देखने में आपको मजा आता है, जिसको सीखने में आपको मजा आता है, तो अब भी बताओ यार। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।